आज है नवरात्रि का सातवां दिन, माँ जगदम्बे का दिन। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। चलो शुरू करते हैं आज का 11वां अध्याय। उससे पहले गणपति को नमन। ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः। 11वां अध्याय। 10वें अध्याय तक हमने देखा कि कैसे शुंभ निशुंभ सब असुर माने खत्म कर दिए थे, तो 11वें अध्याय में जो है सारे देवता माँ का गुणगान कर रहे हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ऋषि राज कहने लगे, सुनो ए पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी कलेश। इंद्र आती सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अंबे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागति करे, तू भक्तों की शक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बनके है पालती, शिवा बनके दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्मानी रोग बने रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बढ़ा। तू माँ अंबे तू माँ बनके करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बंदे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली तू नारायणी, तू अंबे महाकाली जगतारिणी। गुणों से है पूर्ण मिटाती दुख, तू दासों को अपने पहुंचाती है सुख। चढ़ी हंसवन वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्रह्मानी कहलाती है तू। वाराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य संहारती, तू ही वेदवाणी तू ही स्मृति। कई रूप तेरे कई नाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू ही काली बन रूप चंडी बनावे। तू ही मेघा सरस्वती शक्ति निद्रा, तू ही सर्वेश्वरी दुर्गा तू मात इंद्रा। तू ही नैना दाती नैना देवी, तू ही मात जवारा। तू ही चिंतपूर्णी हे देवी बाला, चमक दामिनी में है शक्ति तुम्हारी। तू ही पर्वतों वाली माता महतारी, तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी। तेरी माया मैया किसी ने न जाने, तेरे नाम न दुर्गा सुखधाम है। हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है, तुम्हारा ही यह श्वेदों ने गाया है। तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है, तेरे नाम लेने से टलती बलाए। तेरे नाम दासों के संकट मिटाए, तुम महामाया है पापों को हरने वाली। तू उद्धार पतितों का है करने वाली, स्तुति देवी को सुनी माता हुई कृपाल। हो प्रश्न कहने लगी दाती दीन दयाल, जब देवताओं ने माँ की स्तुति करी माँ का गुणगान किया तो माँ प्रश्न हुई और माँ कहने लगी, सदा दासों का करती कल्याण हूँ मैं, खुश हूँ देती है वरदान हूँ। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आनकर। मैं दुष्टों के लघु का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त मादा कहेंगे ये लोग। बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं, श्वेत अक्ष निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के उपजाऊंगी अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, इस संसार मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरो रूपधारी, मेरी योगिनियां बनेगी बीमारी। मैं दुष्टों के रक्त को पिया करूंगी, वह कर्मों का भुगतान किया करूंगी। माँ ने बताया कि जब भी पृथ्वी पर असुर पैदा होंगे तो मैं उन्हें मारूंगी आग के और उनके खून से भोग लगाऊंगी, तभी रक्त माता मुझे कहेंगे। मैं बिना गर्भ यानी कि बिना गर्भ में आए अवतार धारूंगी और बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा यानी कि गुफा में मेरा मुझे दुनिया पूजेगी, यह संसार ये सारी दुनिया मेरी दास होगी। जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट दूंगी मैं आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी सदा रक्षा करेंगी महारानी। 14 बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। 11 अध्याय में स्तुति देवन की, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हर लीन। भाव सहित इसको पढ़े जो चाहे कल्याण, मुंह मांगा देती है दाती वरदान। यही था 11वें अध्याय में माँ ने आशीर्वाद दिया, बताया कि मैं कैसे आऊंगी, क्या जब भी मुझे कोई बुलाएगा तो मैं कैसे अपना रूप धारूंगी और कैसे आके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यही था 11वें अध्याय का बखान। जय माता दी, जय माता दी।